आज हम कढ़ी पकोड़ा बनाएंगे। 250 ग्राम मीडियम खट्टा दही लिया है, 1/4 कप बेसन डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन बराबर मिक्स हो गया है, पानी डालेंगे। 3 कप पानी डाला है, बाद में दूसरा पानी डालेंगे। कढ़ी बनाएंगे, 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, मेथी दाना थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है, 1/2 टीस्पून हींग, 1 इंच अदरक जुलियन लिया है, 4 हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है बीच में से, 1 छोटा प्याज की स्लाइस की है, 1/3 कप जितना है, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसमें दही और बेसन का मिक्सर डाल देंगे। 4 कप पानी डालेंगे, 1 उबाल आए तब तक कढ़ी को कंटिन्यू चला के कुक करना है। कढ़ी को हम अगर ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे तो दही और पानी दोनों अलग हो जाएगा, इसके लिए उसे कंटिन्यू चलाना बहुत ज़रूरी है। कढ़ी में 1 उबाल आ गया है, 8-10 करी पत्ता डालेंगे। लो फ्लेम पे कढ़ी को 25 मिनट तक कुक करेंगे और बीच बीच में कढ़ी को चलाएंगे। पकोड़ा का बैटर बनाएंगे, 3/4 कप बेसन लिया है, 1 मीडियम प्याज बारीक चॉप करके लिया है, 1/2 कप जितना है, 3 हरी मिर्च बारीक चॉप, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून आखा धनिया को थोड़ा सा क्रश किया है, एकदम कोर्सली करना है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 3/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप पालक की भाजी ली है। पालक को पहले बराबर धो लिया है और उसे ड्राई कर लिया है और चॉप करके 1 कप माप से लिया है। वन 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 पालक डाली है, आपको अगर मेथी के पत्ते डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। पानी डाल के बैटर बनाएंगे, वन 1/3 कप पानी डाल के बैटर बना लिया है। अगर पालक की भाजी थोड़ी गीली है तो पानी थोड़ा कम लगेगा, उस हिसाब से पानी डालना है। 1/8 टीस्पून कुकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून गरम तेल सोडा के ऊपर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। बराबर फेंट के इसे मिक्स करना है। तेल गरम हो गया है, पकोड़ा डाल देंगे उसमें। लो फ्लेम पे पकोड़ा फ्राई करेंगे, टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़ा कितना अच्छे से फूल गया है। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से भी कुक हो जाएगा। पकोड़ा फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से पकोड़ा फ्राई कर लेंगे, फ्लेम मीडियम करेंगे, पकोड़ा अंदर डालेंगे।
तीन से चार मिनट पकोड़ा के साथ कढ़ी को कुक करेंगे। कढ़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। एक टेबलस्पून तेल डालेंगे, हाफ टी स्पून राई। फ्लेम लो कर लेंगे। वन टीस्पून जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, 1/8 टीस्पून हींग, करी पत्ता, एक पिंच लाल मिर्च पाउडर। बघार को कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। कढ़ी पकोड़ा रेडी है। इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे।